आज हम पहला बजट इकोनॉमिक्स में जो आपका टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है ई अधिनियम। ई अधिनियम यानी कि ई लर्निंग, अधिनियम यानी लर्निंग, लर्निंग यानी हिंदी में सीखना। तो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग जो आपकी होती है किस प्रकार से होती है, जैसे वर्तमान समय में क्या हुआ कि जो सूचना प्रौद्योगिकी ने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है, तो इस क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ ही कंप्यूटर आधारित ई लर्निंग का उदय हुआ है जिसने हमारे शिक्षण को बहुत ज़्यादा प्रभावी बना दिया है। और इसके माध्यम से यानी कि हम यहाँ बैठे या कहीं बैठे हम अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ई अधिगम ने हमारे जो शिक्षण के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। और किस तरह से लाया है कि हमें विश्व स्तरीय जो आंकड़े चाहिए या हमें शुद्धता चाहिए हमारे शिक्षण में या हमें कोई अधिक जानकारी चाहिए तो हमें ई अधिगम से माध्यम से जैसे कि हमारा ईमेल्स है और हमारे ईमेल्स है इंटरनेट है इनका उपयोग करके हम शिक्षण को और भी ज़्यादा बेहतर और प्रभावी बना सकते हैं और बना भी रहे हैं, क्योंकि जिन विषयों की हमें जानकारी नहीं होती उनकी जानकारी हमें कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से मिलती है। और किस प्रकार से मिलती है वो आप जानते हैं आप सभी। आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इंटरनेट से अछूता हो, इंटरनेट सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर से अछूता रहा हो या जो व्यक्ति ई लर्निंग के बारे में नहीं जानते हो, क्योंकि आज हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कंप्यूटर यानी सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं और ई लर्निंग कर रहे हैं। डिस्टेंस एजुकेशन इसका एक सबसे उत्तम उदाहरण है। और जो आज हमारे बीच में जो COVID-19 की सबसे बड़ी महामारी चल रही है, इस महामारी के मद्देनजर रखते हुए जो हम एजुकेशन ले रहे हैं डिजिटल एजुकेशन, तो वो जिसके माध्यम से ले रहे हैं वो भी हमारा एक ई लर्निंग ही है। तो ई लर्निंग के और क्या क्या महत्व है, क्या उपाय है, यानी इनसे हमें क्या क्या चीज़ें जानने को मिल रही है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। जैसे जो हमारा ई अधिगम है वो कंप्यूटर से माध्यमिक जुड़ा हुआ है, इससे ये विद्यार्थियों का जो मानसिक और बौद्धिक विकास है जो हो पाया है, क्योंकि ई लर्निंग के माध्यम से जो इसका हम कहेंगे कि विद्यार्थियों का जो मानसिक और बौद्धिक विकास है वो इसी से संभव हो पाया है। अब हम दूसरी बात करें तो क्या है कि ज्ञान के भंडार का आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट एवं ईमेल का उद्भव हुआ है, यानी कि हम जो ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे इस माध्यम से करेंगे, क्योंकि आविष्कार जो होता है मतलब आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है, ये हम सबने सुना है और देखा भी, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ किसी ना किसी चीज़ का आविष्कार हो जाएगा। तो ईमेल का उपयोग करना है या ई लर्निंग का उपयोग करना है, इन सब चीज़ों के उपयोग कैसे होते हैं इसको हम इस प्रकार से स्पष्ट करेंगे कि किसी भी साहित्यिक सामग्री हो या शिक्षण विधि के बारे में हमें जानकारी लेनी है, जैसे कि शिक्षण से संबंधित या साहित्यिक गतिविधियां, यानी हमें साहित्य से संबंधित यदि कुछ जानकारियां लेनी है तो इंटरनेट पे ऐसे साहित्यिक वेबसाइट वहां पर उपलब्ध है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं उनसे संबंधित जानकारी हम वहां से ले सकते हैं, क्योंकि सारी जानकारी हमें वहां पर कुछ ऐसी वेबसाइट है जिन्हें हमें साहित्य निबंध लेना हो, कहानी ढूंढनी, कविता ढूंढनी, तो हमें इंटरनेट पर सारी सुविधाएं मिल जाती है और वहां से हम इसके बारे में सूचना ले सकते हैं। तो साहित्य संबंधी जो वेबसाइट है वो इंटरनेट पर मौजूद होती है जिससे हम उत्तम दर्जे की अच्छे अच्छे खाने जो साहित्यिक गतिविधियाँ उनकी जानकारी हम ले सकते हैं। दूसरा जो है हमारा वो है इंटरनेट के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से बात करके शिक्षण अधिगम को प्रभावी और सार्थक बनाया जा सकता है। शिक्षण अधिगम को सार्थक एवं प्रभावी बना सकते हैं, सार्थक एवं प्रभावी कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जो इंटरनेट का उपयोग है वो हम प्रत्यक्ष रूप से किसी से बात करके कर सकते हैं। और बात करने से क्या होता है, जब हम आमने सामने बात करके जब अधिगम करते हैं या कुछ सीखते हैं तो इससे जो भी शिक्षण किया है, क्योंकि जो हम सीख रहे हैं वो हमारा शिक्षण ही है, तो जो भी चीज़ हमने सीखी होती है वो हमारी एकदम सार्थक बनती है और प्रभावी बनती है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि इंटरनेट के माध्यम से जो अधिगम संबंधी समस्याएँ होती हैं,
अधिगम संबंधी समस्याओं का अधिगम संबंधी जो भी समस्या समस्याओं का समाधान हमें मिल जाता है। समाधान कैसे, यानी कि हमें शिक्षण से संबंधित कोई समस्या आई, हमें कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया या हमें कुछ कंफ्यूजन लगा, तो हम ई लर्निंग के माध्यम से, यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से, आज आप सभी को पता है कि अगर हमें कोई चीज़ का समाधान नहीं मिलता है, कोई चीज़ हमें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, उस पर हमें कुछ और जानकारी लेनी होती है, तो हम सीधे से सीधे क्या करते हैं, हम कंप्यूटर पे गूगल पे जाकर सर्फिंग करते हैं और उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो हमें वहाँ पर विश्व स्तरीय कुछ आंकड़े जो भी है या जो जानकारी होती है हमें वो इजीली मिल जाती है। तो हमारा जो अधिगम है उसमें जो भी समस्या आ रही उस समस्या का समाधान हमारा ई लर्निंग के माध्यम से हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा नवीन शोध कार्य के परिणाम, यानी जो भी हम नवीन शोध करते हैं, नवीन शोध कार्यक्रम के परिणामों को प्राप्त करके, हम जो भी परिणाम को प्राप्त करके शिक्षण अधिगम में शामिल करते हैं, यानी कि कुछ शोध होते रहते हैं, उन शोधों के परिणाम हमें इंटरनेट पर मिलते हैं, इंटरनेट के माध्यम से मिलते हैं, तो हम शोधों के परिणामों को भी हम हमारे अधिगम में शामिल करके, शिक्षण अधिगम में शामिल करके उसको प्रभावी बना सकते हैं, स्पष्ट बना सकते हैं और उच्च स्तरीय बना सकते हैं। और ये सब संभव होगा जब हम सूचना प्रौद्योगिकी या इंटरनेट या ईमेल है या ई लर्निंग, इन सब का उपयोग हमारे शिक्षण के अंदर करेंगे। तो उसके बाद है विश्व स्तरीय जो आंकड़ों को प्राप्त कर सकते हैं, विश्व स्तरीय आंकड़ों की प्राप्ति किसके माध्यम से होगी, ई लर्निंग के माध्यम से जब हम इनका उपयोग करेंगे तो क्या होगा, विश्व स्तरीय जो आंकड़े हैं वो हमें प्राप्त हो सकते हैं, जो शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अब इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है कि हम नवीन शैक्षणिक जो तकनीकी है उससे इंट्रोड्यूस होते हैं, हम परिचित होते हैं नवीन शैक्षिक तकनीकी से परिचित कब होते हैं, जब हम इसका उपयोग करते हैं तो हम नवीन जो भी शैक्षिक तकनीक है हमारे शिक्षण के लिए, उन शैक्षिक तकनीकों से हम परिचित होते हैं। इस प्रकार से होते हैं, जब हम कोई भी चीज़ के बारे में जानते हैं तो इंटरनेट पर सबसे पहले उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। तो आज जो हमने पढ़ा था वो था आपका ई अधिगम क्या होता है। ई अधिगम आपका क्या बताया था मैंने कि जो वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी जो हमारा है उस शिक्षा व्यवस्था में उसने क्या किया, क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। इन क्रांतिकारी परिवर्तनों के कारण ही कंप्यूटर आधारित ई अधिगम जो है उसका उदय हुआ, और जिसके कारण विद्यार्थियों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास की प्रक्रिया में तीव्रता आई है। उनका जो ज्ञान का भंडार है उसका आदान प्रदान करने के लिए, जो ज्ञान का भंडार होता है उसका आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट या ईमेल का उपयोग करते हैं। तो उपयोग के कारण इनकी आवश्यकता पड़ी, इनके ज्ञान के उपयोग को आदान प्रदान करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ी, तो इनका आविष्कार हुआ। और आविष्कार के साथ ही ईमेल जो इंटरनेट से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बताई। यदि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है और कोई भी क्वेरी हो, नहीं समझ में आया, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।